आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा चौटरा 4225 BS6 2022 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू हिंदी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या इस गाड़ी की खासियत है, क्यों ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती है मार्केट में, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। 2022 मॉडल टाटा 4225 BS6 बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ी है आज की डेट में और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्राइस भी गाड़ी का यहाँ पर देना पड़ता है कस्टमर्स को। इसका फुल डिटेल व्यू आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो गाड़ी का काउल वेरियंट आप यहाँ पर देखते हो, पहले जो चौटरा में वेरियंट आता था वो इस तरह का वेरियंट आता था, पर अभी ये आ चुका। क्यों आ चुका? क्योंकि पहले 180 हॉर्स पावर और 230 हॉर्स पावर गाड़ी में इंजन था, वो था 5.6 लीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ। जो अभी जो इंजन आ रहा है वो गाड़ी में 250 HP का यहाँ पर इंजन आ रहा है, तो इसमें क्या है, इंजन बड़ा है तो वो पुराने डैशबोर्ड में ये नया इंजन फिट नहीं आता, क्योंकि ये इंजन का कैपेसिटी ज़्यादा है। 6.7 लीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ ये इंजन है, तो इसके लिए जो घोड़े का डैशबोर्ड है उसमें ये इंजन फिट आता था, तो उसके लिए ये डैशबोर्ड चूज़ किया है टाटा ने। सामने इधर ग्रेइश कलर का यहाँ पर ग्रिल यहाँ पर सामने दी हुई है, हेडलाइट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी छोड़ी हुई है टाटा का। यहाँ पर क्रोम के साथ बैज लगा हुआ है, टाटा की ब्रांडिंग यहाँ पर है। वाइपर मशीन नीचे दी गई हुई है पर उसको सेट कर हम ऊपर फिट करेंगे यहाँ पर, ताकि वाटर जेट्स प्लस वाइपर मशीन पूरी अच्छी तरह से काम करें। हैंडल्स दिए हुए हैं और सही बात, यहाँ पर हैवी एयर इनटेक के लिए यहाँ पर बड़ी लॉन्ग ग्रिल दी हुई है, बहुत ही हैवी ग्रिल यहाँ पर दी है आपको। इधर यहाँ पर देख सकते हो रेडिएटर इंटीकूलर की जो असेंबली है बहुत ही यूनिक ढंग से दी हुई है। मेन बात है जो सारी हाउस पाइपिंग है वो यहाँ पर क्लिप टू क्लिप फीते लगा कर की हुई है। वाटर जेट्स के लिए टैंकी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर देते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल्स, यहाँ पर देते हो क्लच ऑयल और ब्रेक ऑयल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। रेडिएटर आपको रेडिएटर वाटर यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी की जो फ्रंट फेशिया है वो बहुत ही नए डिज़ाइन से यहाँ पर यूनिक लुक में दी हुई है। जो बम्पर आगे वो पहले सिंगल पीस में आता था, जैसे ये था बहुत ही हैवी बम्पर था, पर अभी 3-in-1 पीस यहाँ पर दिया। 3 पीस का मीनिंग ये है कि 3 पीस में डिवाइड है, यहाँ कंडक्टर साइड, ड्राइवर साइड और सेंटर साइड, ये अलग अलग पीसेज में, अगर कोई भी साइड लगती है तो सिंगल पीस ही चेंज हो जाता है। हेडलाइट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार हेडलाइट्स हलोजन बल्ब्स के साथ मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स भी साथ में प्लेस हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स हम खुद लगा कर देते हैं कस्टमर्स को। नीचे वाला बम्पर है वो यहाँ पर हैवी दिया हुआ है। दादा मोटर्स जो पंजाब के डीलरशिप हैं, बेस्ट डीलरशिप हैं, वहाँ से ये गाड़ी हमारे पास आई है। और यहीं पर कर देते हैं साइड की बात, कैबिन की हम बात लास्ट में करेंगे, उसके पहले फ्रंट की बात करें। जो टायर्स आ रहे हैं गाड़ी में 295/90R20 के रेडियल ट्यूब टायर्स गाड़ी में यहाँ पर साथ में आ रहे हैं। और आगे वाला जो एक्सल है वो यहाँ पर टाटा एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 7T रिवर्स इलियर टाइप यहाँ पर फ्रंट एक्सल है, जो कि 7 टन की कैपेसिटी का फ्रंट एक्सल अकेला एक्सल यहाँ पर आ जाता है। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स आगे में यहाँ पर आपको सस्पेंशन में यहाँ पर मिलेंगे। और दूसरा जो एक्सल है उसमें भी आपको टाटा एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 7 टन रिवर्स इलियर टाइप मिल जाता है, इसमें भी आपको पैराबोलिक यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक, एडब्ल्यू की जो टैंकी उसमें आपको यहाँ पर 65 लीटर का यहाँ पर कैपेसिटी मिल जाती है। जो डीजल टैंक है, दो तरह का डीजल टैंक आ रहा है, 300 लीटर 365 लीटर। अगर आप गाड़ी यहाँ पर लेते हो 28 फीट लंबी, छोटी गाड़ी लेते हो तो टैंक बड़ा मिलेगा, अगर लंबी गाड़ी लेते हो, बड़ी गाड़ी लेते हो तो टैंक आपको छोटा मिलेगा। अपोजिट है, इस गाड़ी में 30 फीट की लंबाई है, इसमें आपको 300 लीटर का मिलेगा। उसके बाद आता है थर्ड एक्सल, थर्ड एक्सल यहाँ पर लिफ्ट एक्सल दिया हुआ है और बैलून्स हैं जो एयर स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर देख दो, बहुत ही हैवी है, डबल बैलून्स दिए हुए हैं। अप एंड डाउन की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाजवाब प्लेसमेंट है गाड़ी की। और 7 टन की कैपेसिटी का ये भी एक्सल आ जाता है। उसके बाद आ जाता है अपना मेन एक्सल और डमी एक्सल, ये दोनों एक्सल जो वेट बनाते हैं ये टैंडम वेट के साथ अपना 21 टन का ये पासिंग दोनों एक्सल दे देते हैं। मान लीजिए 7 टन 7 टन 21 टन आगे से मिल जाता है तीनों एक्सल से, और 21 टन पीछे, 42 टन की ये हमको GVW ये गाड़ी प्रदान करती है। पीछे में यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर देते हो सेमी इलिप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर पीछे में आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहीं पर अगर बात करें प्रेशर टैंक की, तो प्रेशर टैंक की साइड माउंटेड है, उसको हम इनर पार्ट पर कर देंगे, तो यहाँ पर जो साइड से अगर टायर वगैरह फटते हैं, ओवरलोड में गाड़ी चलती है तो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगी। ये पाइप्स हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। और यहीं पर बात करें जो गाड़ी में यहाँ पर व्हील बेस आ रहा है, व्हील बेस अगर हम टैग एक्सल लेते हैं
तो आपको यहाँ पर 6200 mm का मिल जाता है। अगर हम पुशर एक्सल लेते हैं तो आपको 6800 mm का मिल जाता है। जो डेक लेंथ अपने लोडिंग स्पैन जो मांग लीजिए जिसमें हम गाड़ी लोड करते हैं, जो लोडिंग एरिया कैबिन के बिना छोड़कर, वो आपको 28 फीट और 30 फीट का मिल जाता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो चेसिस की है। चेसिस अपने को 8.5 mm की थिकनेस के साथ यहाँ पर मिल रही है, 65 mm की फ्लैंग लेंथ भी दी हुई है, 285 mm की हाइट दी हुई है। जो भी यहाँ पर चेसिस है वो लैडर टाइप यू सेक्शन में यहाँ पर फ्रेम बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, चैम्बर्स बनाए हुए हैं, साथ में यहाँ पर देख दो क्रॉस मेंबर्स लगे हुए हैं, सारे नट बोल्ट हैं। नट बोल्ट में एक दिक्कत आ जाती है, नट बोल्ट ढीले जरूर हो जाते हैं बट रिबिटिंग उससे ज़्यादा बेटर है। इस गाड़ी में यहाँ पर सारे नट बोल्ट डाले हुए हैं, लेलैंड में सारी रिबिटिंग का काम किया, लेलैंड इसलिए चेसिस थोड़ा सा हैवी जाता, पर इसमें टाटा में चेसिस इसलिए हैवी हो गया क्योंकि 8.5 mm की थिकनेस गाड़ी में रही है। पीछे की बात करें, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं जो बजर के तौर पर काम करते हैं, 5 सेंसर दिए हुए हैं। बैक लाइट्स LED के तौर पर यहां पर दी हुई है। बैक बम्पर बहुत ही गाड़ी का हैवी है, चेसिस पीछे से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यहीं पर बात आ जाती है स्पेयर व्हील की। स्पेयर व्हील की बात करें तो यहां पर साइड माउंटेड कनेक्टर साइड पर स्पेयर व्हील आ जाता है, सेम टू सेम यहां पर काम कनेक्टर साइड पर दिया हुआ है। हैवी ब्रेक चैम्बर्स के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्यूल एयर ब्रेक्स के ऑप्शन यहाँ पर आपको साथ मिल जाता है। जो लिफ्ट एक्सल की पोजीशन है वो बहुत ही राइट पोजीशन पर दी हुई है। आपको मैं दूर से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। क्या होता है कई बार अगर हमें हाथ से, दोनों हाथ मेरे यहाँ पर इतना स्पेस है, क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो फर्क आता है। यहाँ पर देख दो, ये गाड़ी है, इसमें यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल एक हाथ का डिफरेंस है, टाटा में इतना है। वो बेटर ऑप्शन हो जाती है गाड़ी, इसीलिए ये गाड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी चौटर है, इसीलिए क्योंकि जो एक्सल पोजीशन है, गाड़ी का जो माइलेज है, इंजन पावर है, बेस्ट इन क्लास है। और टाटा में सबसे बढ़िया बात, टाटा के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और वैल्यू ऑफ मनी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। दो बैटरीज मिलती हैं, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती है, 120 एम्पीयर करंट है। कट ऑफ स्विच लगी हुई है, फ्यूज बॉक्सेस साथ में लगे हुए हैं गाड़ी में। यहीं पर बात कर लेते हैं SCR सिस्टम, DPF, DOC और MOX SCR सिस्टम में यहां पर काम करते हैं। ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसमें कि पोल्यूशन है वो कंट्रोल होता है BS6 के अकॉर्डिंग, और जो बाहर पोल्यूटेंट्स आते हैं बाहर तो उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ है और काफ़ी बॉडी से भी बाहर आता है। इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी हुई है, ऊपर यहाँ पर स्पेस अच्छी दी हुई है। मेन एक थोड़ी सी टाटा में जो प्रॉब्लम है वो है एयर क्लीनर की, कंडक्टर साइड का बिल्कुल बगल में आगे दिया हुआ है तो यहाँ पर धूल मिट्टी एयर क्लीनर उठाता है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं गाड़ी के माइलेज रिपोर्ट की। गाड़ी का जो माइलेज टेस्ट है, देखो मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूँ, अंडररोड में जो मेरे कस्टमर के पास गाड़ी जा रही है उनमें ये 250 हॉर्स पावर वाला जो इंजन है 6.7 लीटर, और जो टॉर्क दे रहा है वो 950 Nm की आपको गाड़ी ये टॉर्क दे रही है, क्यूमिंस का इंजन दिया हुआ है। इसमें आपको जो माइलेज रिपोर्ट दिया वो 370 की हमको मिल रही है, पर कंपनी का दावा है कि 4 की प्लस मिलती है, 370 आराम से गाड़ियां दे रही हैं। अभी हम बात करते हैं डैशबोर्ड के ऊपर अपने को क्या क्या यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले ABC पैडल्स देख सकते हो, एक्सीलेशन, ब्रेक्स और क्लच। एक्सीलेशन की बात करें तो टोटली इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेशन यहाँ पर दी हुई है, कोई वायर वगैरह नहीं है। ब्रेक्स में और बेबको की यहाँ पर किट दी हुई है, प्रेशर ब्रेक्स, ड्यूल एयर ब्रेक्स आपको ABS के साथ में यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो क्लच है वो बड़ा क्लच दिया हुआ है, 395 mm डाई का सिंगल टाइप क्रूशर एक्सल यहाँ पर आपको क्लच यहाँ पर आपको मिल जाता है। सीट्स की बात करें, सीट्स आप पीछे बैक रेस्ट आगे पीछे कर सकते हो, अप एंड डाउन भी कर सकते हो और आगे पीछे भी आप कर सकते हो, सीट बेल्ट का काम भी आपको मिलेगा। बिल्कुल राइट साइड पर ही यहाँ पर हैंड ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और ऊपर अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो इसकी साउंड से आपको हम चेक करवाते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमको कैसा मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं हम डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कैबिन हमको यहाँ पर बनने को मिलेगा क्योंकि डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा हैवी है। काउलवी मॉडल भी आता है और यहाँ पर आपको ये जो गाड़ी आती है सिग्ना कैबिन में भी आपको अवेलेबल है। गाड़ी की अगर हम प्राइस लिस्ट की बात करें तो आज की डेट में 2022 मॉडल काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, 36 लाख से ऊपर की गाड़ी ये चेसिस का जो प्राइस है वो मिल जाता है। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है। और यहीं पर अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर देते हो 5 इंच बाई 5 इंच की डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है, किलोमीटर पर आर, RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर,
यूरिया के टैंक्स की कैपेसिटी और ट्रिप सर्विस कितनी मिल जाती है, ओडोमीटर साथ में यहाँ पर मिल जाता है, लाइट मीडियम हैवी फ्यूल स्विचेस मिल जाते हैं जो फ्यूल की आपकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर खाली गाड़ी जा रहे हो तो आप लाइट मोड पे चला सकते हो, अगर आप लोडेड गाड़ी लेकर जा रहे हो तो मीडियम, अगर आप हिल एरिया पर जा रहे हो तो हैवी आप स्विच लगा सकते हो। रीजनरेशन के स्विच दिए ऑन और ऑफ के, तो SCR जो सिस्टम आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है ATS वो यहाँ पर काम आप उसको यूज ले सकते हो। फ्रंट एक्सल उठाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ABS है, इंजन चेक लाइट यहाँ पर दी हुई है और हिल स्टार्ट असिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है और हाजर्ड स्विच यहाँ पर दी है, इंजन लाइट की यहाँ पर स्विच दी हुई है, ब्लोअर का ऑप्शन यहाँ पर रहता है। AC आप लगाना चाहते हो तो आप मैनुअली यहाँ पर लगा सकते हो। गियर बॉक्स की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी में गियर बॉक्स। 6-speed आगे की तरफ एक रिवर्स गियर आपको मिल जाता है, जो गियर बॉक्स यहाँ पर देख सकते हो आप 950G का यहाँ पर गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत असेंबली यहाँ पर, गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा टाटा का हैवी है और रिलायबल है। अभी हम आपको कराते हैं इंजन साउंड, क्योंकि 250 horsepower है गाड़ी में इंजन, 950 Nm का यहाँ पर आपको टॉर्क मिल रहा है, 6.7 liter क्यूमिक्स का यहाँ पर इंजन है। यहाँ पर देते हो सेल्फ हमने जैसे ही ली, उसके बाद इंजन साउंड आप जरूर एक बार चेक करना। RPM हम बढ़ाते हैं, काफी स्मूथ ऑपरेटिंग इंजन है और आवाज भी काफी ज्यादा रिलायबल है। अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो साथ में क्यूमिंग्स इंजन साथ में यहाँ पर ले रहे हो तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, पावर प्लस यहाँ पर रिलायबल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। मेन बात आ रहा है गाड़ी आप किस पर्पज़ के लिए चलाएं, चाहे आप गाड़ी अंडर रोड में चलाएं चाहे ओवररेटेड रोड में चलाएं, गाड़ी आपकी बिल्कुल आपको निराश नहीं करने वाली, आपका पैसा वैल्यू ऑफ मनी आपको गाड़ी पूरी यहाँ पर देने वाली है, ये मेरी गारंटीड है। 42-25 इसलिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी आज की डेट में टाटा की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, टाटा की गाड़ी अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।